वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग बिट, सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। अच्छा जी, बात करेंगे हम ऑफकोर्स, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे मुल्क में बहुत सारे एक बड़े बड़े अवार्ड रिवॉर्ड दिए जाते हैं, तमगा इम्तियाज, उसने कारकर्दगी फिल्म इंडस्ट्री में भी और वैसे भी यूथ को भी, और बहुत सारे ऐसे अवार्ड जो हैं मेंशन किए जाते हैं रेलिवेंट टू वॉलंटियर जो वर्क कर रहे हैं हमारे 14 अगस्त पे, 23 मार्च पे, वुमेन्स के ऊपर, वुमेन डे पे। लेकिन हम लोगों को डिफरेंट उसमें बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो लोगों को अप्रिशिएट करें और अपने ही कहीं कुछ ना कुछ वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को अप्रिशिएट करते हैं डिफरेंट फील्ड से। जैसे कुछ कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ ब्यूटिशियन हैं, कुछ मॉडल हैं, कुछ फॉर एग्जांपल मीडिया से रिलेवेंट हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ ब्रांड्स को लेके चल रहे हैं। तो हर फील्ड से लोग उनमें से सेलेक्ट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। फिर जब उनको अप्रिसिएशन रिगार्ड मिलता है तो दूसरे लोग भी देखते हैं, ऑफकोर्स उनको भी फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो एक स्टेप लेना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। सिलेक्शन क्या है कि ये डिजर्व करता है कि नहीं करता, आया कि ये कैपेबल है कि नहीं, ऑफकोर्स इसकी मैनेजमेंट टीम बैठती है तो देन उसके बाद सिलेक्ट किया जाता है कि इनको ये कर दिया जाए, इनको ये कर दिया जाए। तो एक हार्ड वर्किंग है बिहाइंड, हमें बिहाइंड लोग नजर नहीं आते। और मैं अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में हमेशा उन लोगों को ऑब्लाइज करती हूँ, चाहे वो हमारे मुल्क में कोई भी डिजास्टर आए, उनकी टीम हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो वेलकम। मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है उन यूथ को, उन पर्सन को जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ दी बेस्ट किया। आज हमारे दरमियान मौजूद है, ऑफकोर्स वुमेन्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आ रहा है उससे रेलिवेंट, ऑफकोर्स मुझे अच्छा लगा कि मैं उनकी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ। पीछे हार्ड वर्किंग में क्या क्या है उनसे डिस्कस करवाया जाए आपके साथ, और वो अपनी बात हमसे शेयर करें कि आया कि भाई इस अवार्ड का मकसद क्या है। इज अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट टू माय गेस्ट। अच्छा जी, सैयद गुलाम मोहिउद्दीन फाउंडर एंड सीईओ एंड ऑर्गेनाइजर है लाइफ वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे? बहुत कुछ है, मैं यहाँ पर इतनी सारी कंफ्यूज हो रही हूँ, सीईओ और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने कहा ये ना आप जरा सा कुछ थोड़ा बताएंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। एक्चुअली मेरा नाम सैयद गुलाम मोहिउद्दीन है। बने यूथ की आवाज़ के नाम से एक इदारा है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें शहरी कराची समेत पूरे पाकिस्तान के सतह पर बच्चों को, उन टैलेंट वाले बच्चों को जिनके पास बहुत सलाहियत है और क्योंकि वो रिमोट एरियाज में होते हैं तो उनका एक्सेस नहीं होता अकॉर्डिंग टू चैनल, तो हम वहाँ पे ब्रिज बन के उनको यहाँ से वहाँ तक लेकर जाते हैं। इन द सेम टाइम सोसाइटी के अंदर मुआशरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली से जो बहुत सारी चीज़ों के लिए जस्तजू करती हैं लोगों की तरफ, तो समाजी हवाले से भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर हकूक के ऊपर, हकूक निस्वा के ऊपर बहुत सारे मामला हैं, तो सीपीसीएच पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की अलमबरदारी के लिए काम करता है और लोगों के अंदर आगाही और अवेयरनेस पैदा करता है। तो उस हवाले से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का प्रेजिडेंट भी हूँ और साथ ही साथ आप जैसे लोगों को देखता हूँ, सीखता हूँ, और एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हम जिसके अंदर उन लोगों को पस पर्दा सामने लाकर उनको वैल्यू करने की कोशिश की है जो दूसरे लोगों को वैल्यू करवाते हैं। क्या बात है, और बहुत प्यारी शायरी भी करते हैं। आपके साथ रहेगा बड़ा जबरदस्त गपशप क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव अंदाज में कर रहे हैं और लोगों के लिए बेनिफिट हो रहा है, लोगों को एक सपोर्ट मिल रही है, जैसे इन्होंने कहा ब्रिज। तो अच्छा जी, ऑफकोर्स इनकी टीम का एक हिस्सा है और मेरे इस वक्त लेफ्ट हैंड पे बैठी हैं और ये हैं वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड से, और ये डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, और यहाँ पर मौजूद हैं इरम खलीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गुड जी। मेरे मॉर्निंग शो में एज अ ब्यूटिशियन भी है, माशाल्लाह ब्रांड को भी देख रही है, बहुत सारे काम करती है, बड़ी मल्टी टैलेंटेड बंदी है। थैंक यू सर। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा लगा आज दोबारा? हाँ माशाल्लाह, आपकी जो है मॉर्निंग शो में मेरा ये पहला नहीं है, मैंने कई दफा आपके हो चुका है, और एज अ ब्यूटी इंस्पेक्टर एज अ काफी यानी के मराहिल पे हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा, बहुत सारे माशाल्लाह वर्किंग आपकी चल रही है, अभी अवार्ड से रेलिवेंट भी है, उससे भी गुफ्तगू हम जारी सारी रखेंगे,
और ब्रांड्स को भी आप, बहुत सारे ब्रांड्स को भी आप देखते हो और उसको देखते हो ये कैपेबल है कि नहीं, हम इसको, क्योंकि आपके ब्यूटिशियन की बहुत सारी खवातीन आपके साथ कनेक्टिविटी में होती है, आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे होते हो, तो ये बड़े होता है कि यार इस चीज को मैं आगे शेयर करूँ ना करूँ, ये कैपेबल है कि नहीं ब्रांड, ये हमारे लिए बच्चियों के लिए बेनिफिट है कि नहीं। तो आपका तो बहुत एक रिस्क है, काम भी बहुत है। जी सर जी, हम लोगों का सबसे बड़ा काम, क्योंकि हम लोग एज ए ब्यूटी इंस्पेक्टर जब काम कर रहे होते हैं तो हमें पहले जो है, क्योंकि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा नुकसान भी केमिकल से है। हाँ जी, बहुत सबसे ज्यादा नुकसान केमिकल से है, लेकिन अगर हम लोग केमिकल यूज करते हैं तो हमें उसके तरीकेकार आने चाहिए, उसकी केयर होनी चाहिए, चाहे हम स्किन से रिलेटेड काम करें, हेयर से रिलेटेड काम करें, या हम जो है मेकओवर पे जाएं, तो ये तमाम चीजें जो है बेसिकली क्योंकि ब्यूटी से रिलेटेड हैं, तो हमें इन चीजों में बहुत मयारी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत लाजमी है, बहुत मयारी प्रोडक्ट, बहुत ब्रांड, नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, एरम भी मौजूद है, उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती है, बड़ी खूबसूरत सी प्रीटी सी गर्ल बैठी जैसे डॉल, बार्बी डॉल की लाइक, और वो एक मॉडल भी है और एक खूबसूरत ब्यूटिशियन भी है और खुद भी बड़ी खूबसूरत है। तो खूबसूरत ब्यूटिशियन ऑफकोर्स लोगों को खूबसूरत बनाती है, लेकिन वो अल्लाह पाक ने उन्हें खुद ही इतना हसीन बनाया। तो रमशा अफनान यहाँ पर मौजूद है, मेकअप आर्टिस्ट एंड मॉडल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? आखिरकार तुम आ गई। ये मेरे एक प्रोग्राम में इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा आओ मॉर्निंग शो में आओ, आप माशाल्लाह ब्यूटिशियन हो, लेकिन आज आप आई, बहुत अच्छा लगा। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं तो वैसे आपकी बहुत फैन। चले प्रोग्राम बंद करो, हमारे फैन आ गए। चले जी, आपकी मोहब्बत है गुड़िया, अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा जी, बात करेंगे ऑफकोर्स, यहाँ पर गुलाम साहब बैठे हैं, और बात करूंगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सर ये कहाँ से वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, और क्या समझते कौन सी कैपेबल वुमेन्स को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। दरअसल बात ये कि चूंकि एक ऑर्गेनाइजर भी हूँ, सॉल्यूशन मेकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन करता हूँ, और जो इवेंट प्लानर कंपनी है, हम शहर कराची के अंदर डिफरेंट जगहों पे मार्केटिंग के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, ब्रांड के हवाले से, फैशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम देखने में यही आता है कि इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोग जिनको वैल्यू किया जाता है, जो बहुत ज्यादा आगे नजर आते हैं, लेकिन दरअसल इन लोगों को आगे लाने की जरूरत है। अभी जिस कैमरे के जरिए से आप स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, उसका जो कैमरामैन पीछे खड़ा है उसको भी आगे आना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। दैट्स व्हाई हमने ये सोचा कि इस टाइम बहुत सारी ऐसी फैमिली माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल तरीके से गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि जो खवातीन है स्पेशली वुमेन्स, और वो खवातीन जो होममेड और हैंडमेड चीजों पे काम करती हैं, उनके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, और वो खवातीन जो अपने पेजेस के जरिए से ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि प्रोडक्ट मेड करने वाले, मेक करने वाले लोगों को सेल करने वाले लोगों के साथ मर्ज कर दिया जाए? जो मेकर है उसके पास प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जो सेलर है उसके पास उसकी सेल बढ़ जाएगी, और दोनों की आमदनी में इजाफा होगा। उसके साथ साथ जैसे हमारे साथ मैम इरम बैठी हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर मार्केटिंग देख रही हैं, अब इनके पास एक स्किल है जिसको ब्यूटी का स्किल हम कह सकते हैं। अब इनके पास 10 कंपनीज हैं, अगर ये किसी एक कंपनी की वर्कशॉप करती हैं, फिर दूसरी की करती हैं, फिर तीसरी की करती हैं, एक लड़की जिसके अंदर सलाहियत तो मौजूद है लेकिन उसको पॉलिश कर दिया जाए, 6 इदारों की वर्कशॉप करवा कर उन 6 इदारों से वो प्रोडक्ट भी उनको दे दी जाए, रखवा दी जाए, वो उसको सेल करे तो देन वो अर्न करेंगी। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि हमने इवेंट और रिवॉर्ड्स तो बहुत देखे, लेकिन उस दिन वहाँ जो लोग आएंगे ये सारे वो लोग हैं जो अपने हाथों से काम करते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो सर्व कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी जरूरियात हैं, तो ऐसे में हमने ये सोचा कि हम उनको एक प्लाट का तोहफा दें। तो उस दिन जो भी वहाँ गेस्ट होंगे इंक्लूडिंग यू, कुरान अजीम, अगर आपका नाम आ गया तो खारिज कर दिया जाएगा, बाकी जितने भी वहाँ पर नॉमिनेशन में लोग होंगे उन तमाम लोगों को जिनका नाम नॉमिनेशन के अंदर निकलेगा हम उनको उस प्लॉट का फाइल उनको देंगे, उसकी जो भी कंडीशन है वो उनके साथ करेंगे, रजिस्ट्रेशन हम इस इवेंट के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे। बहुत अच्छी बात है, और एक और जो आपने ना सिर्फ मुझे एक अच्छी बात लगी कि एप्रिसिएशन के साथ साथ आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक एक रास्ता दे रहे हैं जिससे वो अपना रोजगार भी चला सके। गुड 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 एफर्ट गुलाम साहब आपके लिए स्पेशली, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार कुछ एक बड़ा इवेंट किया जाए खवातीन को, और ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन को मिला के काम किया जाए, देखिए अकेले बंदे में और एक शेयर करके करने में बहुत फर्क है। जैसे आप हम सब टीम वर्क कर रहे हो ना, तो मैं कहती हूँ आप जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी, आपसे अगर 50 लोग कनेक्ट करते हैं तो एक बिगेस्ट इवेंट हो सकता है, और आप
अगर उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे रोजगार कनेक्ट होते हैं, हमारे भी एक तालुकात अच्छे होते हैं और बिजनेस भी बड़ा होता है, तो वो इवेंट हर साल के लिए बड़ा इवेंट हो सकता है देखा जाए तो इसमें बर्डन भी कम होता है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा फायदा होता है। ऐसा ही है। चलें जी बात करेंगे, जैसे इन्होंने ऑफकोर्स एक बात की कि खवातीन या कोई भी, जैसे आपकी तारीफ भी की उन्होंने कहा कि एक बंदी है अगर वो डिजर्व करती है और डेमोन्स्ट्रेट करती है, फिर इसको बहुत सारे ब्रांड है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक देखा जाए रिस्पेक्टली भी आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है और लोग भी जो है फायदा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं ऐसी खवातीन को आगे आना चाहिए कि नहीं? जी सभी बिल्कुल ये आना चाहिए। बेसिकली जो है सोल्यूशन मेकर का जो काम है, देखिए एक तो नाम कितना अच्छा है, एक चूज किया है सोल्यूशन मेकर। हमारे यहाँ जो है प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, सोल्यूशन नहीं। हाय अल्लाह, सही कह रहे हैं। अब हम लोग जो है सोल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, काम हर कोई कर रहा है। यस, आप अपनी जगह पे कर रही हूँ, मैं अपनी जगह पे कर रही हूँ, तमाम पब्लिक काम कर रही है, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, रास्ते नहीं है। अच्छा, अब ये प्लेटफॉर्म जो हमने आज जिसको हमने डिजाइन किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप हमारे साथ वहाँ होंगी तो हमने इसको डिजाइन भी इस तरह से किया है कि आपके जो है जहन खुले, गुड, आपको पता चले कि मेरा वे क्या है। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग स्किल्स तो सीख लेते हैं लेकिन उसको सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, उसके लिए रास्ता चाहिए। अच्छा, वो रास्ता किस तरह से है? जब आप एक से दो लोगों से मिलते हैं, जब आपके सामने किसी को अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो कहते हैं कि अब हमने आगे अपने रास्ते बनाने हैं और किस तरह से आगे चलते हैं, तो वो एक अचीवमेंट हो जाती है। ओके, गुड है। अच्छा जी, बात करेंगे, आपके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह मॉडल है रमशा, ये बताएं इस फील्ड में कैसे आ गई? वैसे तो आना ही चाहिए 100% मेरा व्यूअर, लेकिन आपको कैसे शौक हुआ? अब ये कहना बचपन से, खुदा नहीं, बचपन से तो बिल्कुल शौक, किसी ने मोटिवेट किया आ जाओ ये मोटिवेट करा कि भाई आपको आना चाहिए माशाल्लाह, मगर ये कि बस से शूज वगैरह हुए हैं। आप बोलो गुड़िया, आप बोलो। तो शूज वगैरह हुए हैं तो अब ये है कि मैं मॉडल बन गई। क्या बात। अच्छा, बेसिकली तो चंदा आप ब्यूटिशियन है ना, तो ब्यूटिशियन में आपको कितने टाइम हो गया ब्यूटिशियन मेकिंग करते हुए, लोगों को ब्राइट बनाते हैं? मुझे तकरीबन 5 to 6 ईयर हो गए हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपने रनिंग चल रहे हैं और साथ साथ अपनी शूट पे भी चलते हो? इसको 2 ईयर्स हुए। गुड गुड, तो क्या फ्यूचर में कहाँ तक पहुँचना है? नादिया हुसैन तक जाना ही है, बस लिमिटेड तक? अच्छा जी, प्लानिंग कर ली है उस लड़की ने, शी इज मेंटली प्रिपेयर्ड गोइंग टू नादिया हुसैन। नहीं हाँ, इससे भी ज्यादा और आगे जाओ भाई, पूरे वर्ल्ड में जाओ, रिप्रेजेंट करो पाकिस्तान को। और जी सर, आगे जैसे आपने कहा कि हम, मुझे एक और चीज आप कीजिए, तो अवार्ड तो एक अलग है, ऑर्गेनाइजेशन को अपफ्रंट करें, खवातीन को सपोर्ट करें, आपने एक और यूथ की ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको कहाँ कहाँ लगा कि यूथ लैग कर रही है और उसको जरूरत है? हर दफा जब बात की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आबादी जो है उसका 50 to 60% जो है वो यूथ के ऊपर मुश्तमिल है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर 60% यूथ है तो क्या उनके लिए 60% मौके हैं कि नहीं? नहीं है। मैं जब अपने बचपन के जमाने की बात करूँ, मुझे कभी किसी ने माइक नहीं दिया, और जबकि मुझे माइक की नीड थी, मैं चाहता था कि मैं माइक पकड़ूं, माइक बोलूं, तो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन जब मुझे मिला तो मैंने 5,000 लोगों के सामने एक दफा बोला, उसके बाद फिर मोस्टली जब मैं माइक पे आता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सच सुनने का हौसला आजकल लोगों के अंदर नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे में टैलेंट का फुकदान नहीं है, टैलेंट का बहुत भरमार है। हम देखते हैं कि एक बच्ची रियाजी से ओलंपिक के अंदर सेलेक्ट होती है और उसको कहा जाता है कि जी आपको नेपाल जाना है, और उसके लिए उसको 4 lakh rupees की नीड है। अगर उसके पास 4 lakh rupees होते तो वो चली जाती है और पाकिस्तान का नाम रोशन करती है। उसके पास मेडल्स बहुत सारे हैं, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं। आपके चैनल के तवस्त से हमने देखा कि यंग खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, आप उनको मौके देते हैं, लेकिन आप और आप जैसे 2, 4, 6 or 10, लेकिन 60% लोगों को वैल्यू करने के लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। जब भी हमने ये इदारा बनाया बनो यूथ की आवाज, कराची के अंदर बनो यूथ की आवाज, मैं क्लियरली बता रही हूँ, आप फेसबुक पे जाइए और देखिए बनो यूथ की आवाज, और मैं चाहूंगी कि इनके इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यूथ को फायदा हो। यस सर, सबसे पहले आपके चैनल का भी शुक्रगुजार होंगे, आपके चैनल ने बनो यूथ की आवाज के नाम पर आने वाले बच्चों को नाचगाने के सेगमेंट में और दीगर सेगमेंट में बहुत ज्यादा उनको ऑब्लाइज किया, उनको एंटरटेन किया, उनको मौके फराहम किए। और साथ ही साथ हम बात करें बनो यूथ की आवाज की खासियत यह है
کے شہر کراچی میں جامعہ کراچی، نہرو یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی، اگر ہم بات کریں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے جنہ کا پاکستان، اگر ہم بات کریں یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے ان کے ایونٹس، اگر ہم بات کریں آدم جی کے اندر ہونے والے ایونٹس، اگر ہم بات کریں عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر ہونے والے ایونٹس، آرٹ کونسل آف پاکستان کے اندر، یہ ساری وہ جگہیں جہاں پر جتنی بھی یوتھ کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم وہاں پر ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. کراچی یونیورسٹی کا ایک آخری بیج ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے جب نکلیں تو ایک ایونٹ کریں. ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے، ان کے پاس مواقع نہیں، ان کے پاس اسپانسرز نہیں، ان کے پاس وینیو نہیں، ان کو کوئی سننے والا نہیں، دین ہم وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جو بھی ان کو نیڈ ہوتی ہے ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا کچھ اچھا سا شیئر ہو جائے، اتنی دیر سے میں بے قرار ہوں کیونکہ ملٹی ٹیلنٹڈ پرسن ہے، گفتگو بلا کی کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مائک ایسا کچھ نہیں ہے، ایسی شخصیت کو مائک کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فیلنگ جو لوگوں کے لیے، عام عوام کے لیے ہے، یہ وہ نام ہے جو ساری زندگی انسان کے دلوں میں جو ہے وہ سٹیم کر دیتا ہے. سر آپ کچھ اچھا سا شعر سنیں. جو شعر سنانے لگا ہوں اس کا تعلق بھی یوتھ سے ہی ہے. بالکل. اس کے کچھ دو چار لائن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے میں نے سنایا تھا تو مجھے کسی سیاسی پارٹی نے بلا لیا تھا. کچھ اس طریقے سے آپ پنگا نہ لینا، آپ سے شعر سنائیں نا. اگر آپ اس کو اپنے پہ امیجن کریں تو آپ خود مینشن کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، نہیں کریں نا آپ. جی کچھ لائن ایسی ہے کہ ہم پھر سے دست ظلمت پہ نکل پڑے ہیں. اچھا. اور ہم پھر سے جانب منزل چل پڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یوں تو صدیوں سے ظالم کے ظلم کا غلبہ تھا اس قوم پر. اچھا. پرسو دیکھ لیں ظالم افسر سامنے بنو یوتھ کی آواز کے جاں باز کھڑے. کیا بات. ایک اور لائن جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے، ایونٹس کے اندر جب میں مائک پہنچتا ہوں تو پیچھے سے آواز آتی ہے کہ وہ والا شعر، تو وہ کچھ اس طریقے سے، یہ جو ساز باز ہے یہ بنو یوتھ کی آواز ہے، اور جلتا ہے جل جائے دشمن ابھی تو یہ آواز. آئے 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 آئے، ایک بار پھر سر بہت اچھا، بہت پیارا شعر. یہ جو ساز باز ہے، یہ جو ساز باز ہے بنو یوتھ کی آواز ہے، بنو یوتھ کی آواز ہے، اور جلتا ہے جل جائے دشمن، جلتا ہے تو جل جائے دشمن ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی تو یہ آغاز ہے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. اور میری دعا ہے کہ آپ کی جو یہ آواز ہے وہ سارے جہاں میں یہ آواز گونجے اور بہت سارے بچوں کو آپ کے پلیٹ فارم سے راستہ ملے اور وہ اپنے ملک کا نام روشن. ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے میں نے کہا کہ بنو یوتھ کی آواز ایک پلیٹ فارم ہے، اور آپ نے سامنے بیٹھی ہوئی رحم شاہ خان سے کہا کہ آپ اس طرح کیسے آ گئی، ان کی اجازت سے ایک جو ہے وہ ایک چھوٹی سی اسٹوری آپ سے شیئر کروں. اگست کا مہینہ تھا اور 2021 تھا، پل کانٹیننٹل کا ایک ایونٹ تھا، اس میں آپ بھی موجود تھیں، اور وہ فیشن کا ہی پروگرام تھا. اس میں سیٹ نمبر کو 350 یا 351 نمبر پہ بیٹھی ہوئی ایک لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے اس ایونٹ کے لیے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے. مجھے پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ جو اسٹرگلر ہوتے ہیں ان کے لیے ان سب چیزوں کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. میں نے کوشش کی کہ اس کو سرٹیفکیٹ دلا سکوں، لیکن وہاں پر سارے سرٹیفکیٹ بائی دا نیم تھے، تو ایم ٹی نہیں تھا تو اس کو نہیں دیا جا سکا. وہ جو 351 نمبر پہ بیٹھی ہوئی لڑکی تھی، وہ 2022 کے مئی کے 14 تاریخ کو پل کانٹیننٹل کے بجائے میرٹ ہوٹل میں ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ جس کا نام ہیروز آف پاکستان تھا، اس کے سیٹ نمبر 2 پہ بیٹھی تھی رمشا افنان. رمشا افنان جو ہے ہیروز آف پاکستان کے اندر دی بیسٹ ماڈل جو پورے پاکستان کی سطح پر تھا اور ڈیجیٹل ووٹ کے ذریعے ہوا، تو اس کی ونر ہے. ماشاء اللہ رمشا. اچھا رمشا ایک بات بتاؤں کہ گھر میں اور کس کس کو کسی نے آبجیکشن نہیں کیا؟ آپ میرٹ بھی ہو مجھے معلوم ہے. نہیں بالکل نہیں. میرڈ ہوں. جی جی بالکل. ہاں تو میں نے کہا شاید اس پہ ایک جی. اچھا آپ کے ہسبینڈ نے کسی نے ماڈلنگ میں جانا اور لوگ ریسٹرکشن دیتے ہیں فیملی میں، یہ کیا کر رہی ہوں، تو کسی نے بھی کوئی پرابلم کریٹ کی؟ ماشاء اللہ سب بہت اچھے ہیں، سپورٹو ہیں کافی، خوشحال والے بھی، مما بھی، ہسبینڈ بھی بہت زیادہ. گڈ گڈ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے مرد کا سپورٹ، کیوں کہتے ہیں انہوں میں رہتا ہے کہ ضروری ہے، بغیر مرد کی سپورٹ کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی روپ میں بھی، کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، ہسبینڈ ہو، لیکن سب سے زیادہ سکون آپ کو ہسبینڈ اگر سپورٹڈ مل جاتا ہے تو پھر دیکھیں آپ کے پاس وہ پر ہیں جو کٹ نہیں سکتے. جی جی. اگر ہسبینڈ کی سپورٹ ہوتی تو آپ ہر طرف اڑ سکتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے پیچھے کھڑا ہے، تو اس میں آپ جو کہیں بھی مات نہیں کھاتے. بے شک بہت اچھی بات ارم نے کی کہ آپ کو جب ایک بیہائنڈ آپ کو پتا ہے کہ ایک شیڈو ہے تو آپ بہت اچھے طریقے سے کام بھی پریزنٹ، ٹینشن ہوتی ہے کام بھی پریزنٹ نہیں. فیمیل کے لیے ضروری ہے کیونکہ جس طرح کا معاشرہ ہے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ جسے جو ہے فیمیل کو ایک ڈھال چاہیے، جو ہسبینڈ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، اگر اس کی ڈھال بن جاتا ہے تو عورت میں جتنی کوالٹیز ہیں
अपनी क्वालिटी दुनिया की किसी चीज में भी नहीं। अच्छा मैं रमशा से सवाल करूंगी, रमशा ये बताओ कि सिर्फ मॉडलिंग तक ही आपका माइंड है या लेट्स सी आगे ड्रामों में फिल्मों में या मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं जाऊँ, ऐसा कभी सोचा? जी जी बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है। अच्छा अगर आपको चांस मिलेगा तो? जी जी बिल्कुल, मैं आगे आगे मूवीज में भी चली जाऊंगी। नहीं मूवीज में तो नहीं, बस ड्रामा। मैं पता आगे अगर आप कह देती हूँ कि डांस आता है? नहीं डांस तो नहीं आता बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल तो फिर आप मूवीज नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल में। फिर बेचारी को डॉक्यूमेंट्री वगैरह में मिल जाए या कोई हिस्टोरिकल, नहीं हमारी उसको भी नहीं आता था वो ज़ेबो बख्तियार को इतना अच्छा खास नहीं आता था, लेकिन वो बड़ी अच्छा उसने अदनान समी के साथ सरगम मूवी बड़ी अच्छी, सैयद नूर एक बड़ा हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बड़े जबरदस्त उन्होंने फिल्म बनाई थी, लेकिन उसको उनको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आती थी, लेकिन वो उनका फेस और कट बहुत खूबसूरत था, फोटोजेनिक थी और उनका बोलने का और ये बड़ा अच्छा था एक्सेंट। तो आप अगर जाना चाहो तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो कर लेना ना, कर लो यार कुछ नहीं होता। मूवीज में कहे ना आप क्यों नहीं कह रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे गुलाम साहब आपके लिए नंबर निकाल के देने किस डायरेक्टर के पास जाना? नहीं एक्चुअली मैं आपके लिए एक शेर लिख रहा था। अरे मेरे नहीं, अरे मुझे क्या वो तो ये चले जी सुनाए अभी वो लिख रहा था अभी मुकम्मल। अच्छा लिखे आप, लिखे आप चले हम एरम के पास। अच्छा वाले से ये कहना चाहता था, रमशा के हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें देवन को ना आप सारी चीजें सारी अचीवमेंट नहीं कर सकते, जब आपको हौसला मिलता है आप जैसे लोगों का सपोर्ट मिलता है तो फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एनर्जी आती है। और आपका काम और मेरा काम ये है कि हम उनको बताएं कि वो क्या जानते हैं कि जो वो नहीं जानते हैं। यार कसम बड़ी गहरी बात की, वो क्या जानते हैं कि जो वो नहीं जानते हैं, तो उनको जताना उनको बताना है। जो अपने आप को जान गया वो सभी बन गया। अच्छा जिस तरह से अभी हम लोगों ये क्या बात है, मुझे टारगेट करें जो सबको जान गया वो सभी बन गया। लेकिन आपने अभी देखिए बैठे बिठाए आपने एक दिया जला दिया, आपने क्या दिया जलाया रमशा के दिल में कि भाई आप इस तरह की जो है हिस्टोरिकल मूवीज करें, आपने दिया जला दिया आज। अच्छा अब जो हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद यही है कि वो दिए जलते चले जाएं और उससे चराग रोशन हो जाए। मैं अब थोड़ा सा आप लोगों को गाइडलाइन की जरूरत है। अच्छा एक तो हमारे दिल में खौफ बहुत होता है कि आया कि मैं ये नहीं करूं, ये जगह पे नहीं जाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरी नजर में कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती, बुराई इंसान के अंदर अपनी होती है, वो कहीं पर भी बुरा हो सकता है और अगर वो अच्छा होगा तो कहीं पर भी वो चला जाए वो अच्छा ही रहेगा। ये हमारे अंदर की सब चीजें होती हैं, हम लोग अपने आप को खुद प्रेजेंट करते हैं, तो ये आप मत सोचें कि जी हम लोगों ने अपना खुद कॉन्सेप्ट है कि जी ये फिल्मों में जो चले जाते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। नो नो नो, मेरे बहुत सारे लोगों को अच्छे बुरे हमारे दरमियान होते हैं, हम इस फील्ड में भी हो सकते हैं, टीचिंग में भी हो सकते हैं, टीचर्स में, हॉस्पिटल्स में भी। आपने कब क्यों जज कर लिया कि जी उस फील्ड के लोग बुरे हो सकते हैं? नो वे, हमारे यहाँ ना तमगा लगा दिया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कि भाई ये जो है मीडिया, तो मीडिया को एक जो है शुरू से कॉन्सेप्ट उसका कर दिया कि नहीं मीडिया पे जाने वाले लोग अच्छे नहीं होते। हाय अल्लाह ये बात ना गई। नहीं नहीं लोगों का एक हमारे पुराने लोगों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी देखे ना हम सबको प्रमोशन चाहिए। अब बच्चियों का जो काम है उसको अगर हम करते हैं, इसको कंटिन्यू करना है इस बात को कि मीडिया क्या है। जी यहाँ पर लेंगे हम लोग ब्रेक, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि एरम कालिक बड़ी जो है हॉट टॉपिक पे बात करी है वो है मीडिया और हमारे लिए खवातीन के लिए मीडिया क्या रिप्रेजेंट करता है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।